देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में रीजनल नॉवेल क्या होता है, इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग रीजनल नॉवेल को जानने से पहले नॉवेल का शॉर्ट में डेफिनेशन देखेंगे, फिर रीजनल नॉवेल का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे थोड़ा लॉन्ग में कि रीजनल नॉवेल क्या है, फिर रीजनल नॉवेल का एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, उदाहरण से समझेंगे इसको, फिर रीजनल नॉवेल के एलिमेंट्स मतलब मूल तत्व क्या होनी चाहिए, एसेंशियल चीजें क्या होनी चाहिए रीजनल नॉवेल के लिए, वो हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर्स, आपका इंग्लिश एजुकेटर्स पे स्वागत है। देखिए, नावेल क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रीजनल नावेल से पहले नावेल को समझते हैं। देखिए, नावेल जो एक टर्म है, ये इटालियन वर्ड से लिया गया है नोवेला से, जिसका मतलब होता है न्यू। कुल मिलाकर के नावेल का मतलब होता है न्यू, या फिर दूसरा मतलब भी है इसका, ब्रीफ अकाउंट अबाउट समथिंग फ्रेश, मतलब किसी चीज का लेखा जोखा नए तौर से नए तरीके से, उसको हम नावेल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए, नावेल क्या है, नावेल इज अ लॉन्ग रिटन नैरेटिव वर्क ऑफ फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी, कल्पनाओं पर आधारित कहानी। तो एक लॉन्ग नैरेटिव वर्क है, काम है कल्पनाओं पर आधारित, जबकि इसमें कुछ रियलिज्म भी होती है, मतलब रियलिटी भी होती है इसमें, विथ सम रियलिज्म, मतलब कल्पना और रियलिटी से मिला करके जो बनाई जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ बुक, बुक के फॉर्म में लिखी जाती है, उसको हम नॉवेल बोलते हैं। देखिए, कल्पनाओं पर आधारित और रियलिज्म क्यों बोला गया, देखिए जब तक के हमारे सोसाइटी पर, समाज पर आधारित कोई चीज़ें ना हो, तो वो हमको न पढ़ने में मज़ा आएगा न देखने में मज़ा आएगा। तो इसीलिए जो समाज में घटनाएँ घटती हैं, जो कुछ होता है, वो नॉवेल के तौर पर पेश किया जाता है, कुछ अपने मन से बढ़ा घटा करके मसालेदार बना करके, उसी को हम नॉवेल बोलते हैं। ठीक है, देखिए नॉवेल में जो कैरेक्टर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, सेटिंग्स मतलब जहाँ पर घटनाएं या कहानियाँ चल रही है, तो ये सारे के सारे जो है इमेजिनेशंस पर बेस्ड होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात है कि हेनरी फील्डिंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल, मतलब हेनरी फील्डिंग को मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल के पिताश्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फादर, क्योंकि ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ नॉवेल राइटिंग, उन्होंने नॉवेल राइटिंग का, नॉवेल लिखने का फॉर्मूला दिया था, किस तरह से नॉवेल लिखा जाए। ठीक है, नॉवेल को हिंदी में हम बोलते हैं उपन्यास या कल्पना प्रसूत कथा। प्रसूत का मतलब होता है उत्पत्ति या उत्पन्न, तो कल्पनाओं से जो उत्पन्न होती है कथाएँ, उसको हम नॉवेल बोलते हैं या उपन्यास बोलते हैं। मतलब नावेल या कल्पना प्रसूत कथा ऐसे कथाओं को बोलते हैं जिसमें वास्तविक जीवन से मिलते जुलते चरित्रों और होने वाले घटनाओं का विस्तृत और ससंबंध चित्रण होता है। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि हमारे समाज में जो घटनाएं घटती हैं, सोशल फिनोमेना जो हुए हैं, उस पर आधारित होती है, इसीलिए हमको अच्छा लगता है और हम नावेल पढ़ते भी हैं। तो वो सारे मिक्सचर होते हैं, उसमें कल्पनाएँ भी होती हैं और कुछ रियलिटी भी होती है, उसी को हम नावेल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग रीजनल नावेल की तरफ बढ़ते हैं, जो एक्चुअल में टॉपिक है। देखिए, रीजनल नावेल को हम बोलते हैं, पहले हम रीजनल को समझते हैं क्या है। देखिए, रीजनल जो है रीजन से बना है, रीजन का मतलब होता है एरिया, इलाका, कोई क्षेत्र, मतलब अ पर्टिकुलर एरिया और लोकेलिटी, मतलब कोई पर्टिकुलर क्षेत्र या एरिया को हम रीजन बोलते हैं। और ये रीजनल जो है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है रीजन का, जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर लोकेलिटी और पर्टिकुलर एरिया, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया लोकेलिटी से रिलेटेड जो चीज़ होती है, उसको हम रीजनल बोलते हैं। और अगर उसी को हम नावेल के फॉर्म में अगर लिखे हैं, तो रीजनल नावेल कहलाएगा, जिसमें कि कुछ फिक्शंस होंगे और कुछ रियलिटी होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें भी सेम वही सारी चीज़ें हैं कि इसमें ऑल इवेंट्स एंड कैरेक्टर सेटिंग्स आर फिक्शनल और बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रीजन इन दिस नॉवेल, मतलब इस नॉवेल में किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड कहानियाँ होगी, उस तो वो रीजनल नॉवेल कहलाएगा। और उस रीजनल नॉवेल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब इट डील्स विद द पीपल ऑफ सेम लोकेलिटी, मतलब रीजनल नॉवेल में सेम लोकेलिटी के, सेम एरिया के कैरेक्टर्स होने चाहिए उसमें, और उनकी लिविंग स्टाइल होनी चाहिए उसमें दर्शाया जाना चाहिए, उसके जो कल्चर्स हैं, सिविलाइजेशंस हैं, वो बताया जाना चाहिए, डायलेक्ट्स मतलब बोली, उसके जो लोकल बोली हैं उसको उसमें दर्शाया जाना चाहिए, उसके जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए रीजनल नावल में, तब जा करके वो रीजनल नावल
कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम कुछ रीजनल नॉवेल्स को हम देखते हैं, जैसे फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, यह पब्लिश्ड इन 1874, तो यह बाय थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया था। थॉमस हार्डी की लाइफ जीवनी कितनी है, 1840 से 1928, तो इनके द्वारा फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड यह लिखा गया था एज ए रीजनल नॉवेल। इसी तरह से दूसरा थॉमस हार्डी का ही है, द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, इसको पब्लिश हुआ किया गया था 1886 में। और इसी तरह से वुदरिंग हाइट्स पब्लिश हुआ था 1847 में बाय एमिली ब्रॉन्टे, जो एमिली ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं उसी में से एक है एमिली ब्रॉन्टे, जिसकी लाइफ जीवनी 1818 से 1848, मात्र 30 ईयर्स में इन्होंने बहुत कुछ लिटरेचर में बहुत कुछ योगदान दिया है। तो ये सारे जो है नॉवेल्स हैं ये रीजनल नॉवेल के तौर पर लिखा गया था। इसी तरह से हम इंडियन ऑरिजिन्स में कुछ देख लेते हैं नॉवेल्स। देखिए, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द गाइड, द डार्क रूम, एंड इसी तरह से द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये सारे के सारे नॉवेल्स हैं बाय आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था। इनकी लाइफ जीवनी 1906 से 2001 तक रही है, तो ये काफ़ी मतलब रीजनल नॉवेल में इनको काफ़ी महारत हासिल था और इनका काफ़ी नाम और शोहरत है रीजनल नॉवेल को लिखने में। इसी पर एक सीरीज बना दी गई है, स्टोरीज की सीरीज, शॉर्ट स्टोरीज की सीरीज है मालगुड़ी डेज। तो यह मालगुड़ी डेज जो है, ये मालगुड़ी एक फिक्शनल टाउन है आरके नारायण का, जिसको साउथ इंडिया में कहीं पर दर्शाया गया है, जबकि ये रियलिटी में नहीं है, एक फिक्शनल टाउन है। ठीक है, तो ये आपका इंडियन ओरिजिन का एग्जाम्पल है रीजनल नावल के तौर पे। चलिए आप शॉर्ट में देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स को। देखिए, रीजनल नॉवेल्स में ये सब एलिमेंट्स होने ही चाहिए, बाकी और भी एलिमेंट्स हैं जिसमें सेटिंग होनी चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए, नैरेटर्स मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू के द्वारा ये सब लिखा गया है, प्लॉट्स होनी चाहिए और थीम्स होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे आपको पता ही है, आप शॉर्ट में आप इसको देख लीजिए कि ये यहाँ पर क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपने रीजनल नावल को, साथ ही साथ नावल को और इसके एलिमेंट्स को एग्जाम्पल के साथ में हिंदी और इंग्लिश में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर, इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।